दोस्तों अब चलते हैं पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बलराम भगवान की वहाँ पर मूर्तियाँ हैं लकड़ी की, तो उनके दर्शन करते हैं। वीआईपी रोड से करीब 3 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। पुरी शहर में भीड़भाड़ कम है, ट्रैफिक भी काफी कम है। बहुत ही अच्छा शहर है पुरी। 15 से 20 मिनट में मंदिर तक पहुंच जाएंगे। सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। हाँ, जगन्नाथ भगवान की जय। मंदिर के पास मार्केट है, यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। पुरी में मंदिर के पास रुकने के लिए यात्री निवास देखने चलते हैं। यहाँ पर काफी सारे बजट होटल्स, धर्मशालाएं मिल जाएगी। नीलाचल यात्री निवास में चलते हैं। बिल्डिंग बड़ी है, वह अंदर भी बिल्डिंग्स है। यहाँ के मैनेजर साहब हमें रूम्स के बारे में बताएंगे। एसी डबल बेड 1404 रुपया, नॉन एसी डबल बेड 660 रुपये। और ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं? ऑनलाइन बुकिंग। बोलो। डबल बेड 660 रुपया, नॉन एसी में। नॉन एसी नॉन ट्रिपल बेड 926 रुपया, सिक्स बेड 990 रुपये, नॉन एसी। नॉन एसी ये एसी बिल्डिंग है, इसमें एसी रूम अवेलेबल है और चार्जेज मैंने आपको बताया अभी। अब मैं नॉन एसी बिल्डिंग दिखाता हूँ आपकी। रूम सभी बंद है कोरोना के कारण, तो रूम अंदर से दिखा नहीं पाऊंगा। आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। नॉन एसी रूम्स की बिल्डिंग है। यहां पर पार्किंग के लिए भी काफी जगह है। अब चलते हैं दूसरी धर्मशाला देखने। ऑटो आपको मंदिर से कुछ दूर पहले ही छोड़ देगा। वहाँ से जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए ई रिक्शा वगैरह है अवेलेबल, और रिक्शा भी जाते हैं मंदिर तक। मंदिर के आसपास आपको काफ़ी सारे होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएगी आपके बजट में। लंच डिनर के लिए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है मंदिर के पास। देवी दत्त दूध वाला धर्मशाला में एसी वे नॉन एसी रूम मिल जाते हैं। चार्जेस ज्यादा नहीं होने चाहिए। 350 से 500 रुपीस में नॉन एसी रूम मिल जाता है। मंदिर के आसपास काफी शॉप्स हैं। मार्केट में क्या क्या मिलता है देखते हैं। यहां से मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब रविवार को भी मंदिर खुला रहता है। दर्शन बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से कराते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ की शूटिंग कोई नहीं कर सकता, यहाँ रिकॉर्डिंग करना फोटो खींचना अंदर अलाउड नहीं है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। अब मैं आपको लॉकर रूम दिखाता हूं, जहां आप अपना बैगेज रखकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पास से रास्ता जाता है लॉकर रूम के लिए। किसी तरह की परेशानी हो तो हेल्प डेस्क से भी मदद ले सकते हैं। मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के उड़ने पर मनाही है। मंदिर में चार दरवाजे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सिंह द्वार जो फ्रंट गेट है वो सिंह द्वार है। जगन्नाथपुरी मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है, इस झंडे को रोज बदलने का नियम है। अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोई पर 300 सेवकी काम करते हैं। इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद कम नहीं पड़ता है। जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता है। मंदिर के अंदर से ही प्रसाद खरीदें, बाहर से नहीं। जब आप दर्शन करके बाहर आते हैं वहीं पर मंदिर ट्रस्ट की दुकान है जहां प्रसाद मिलता है। भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा, बलभद्र भगवान विराजते हैं उस जगह साइड में मंदिर ट्रस्ट की दुकान है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर मूर्तियां, मालाएं वगैरह बेचने वाले घूमते रहते हैं। वे अपनी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बताते हैं, अतः सही तरीके से बार्गेनिंग करके ही खरीदें। उड़ीसा की स्वीट्स भी बाहर शॉप्स पर मिल जाती है। उड़ीसा की पारंपरिक छाछ, इसकी रेसिपी शॉपकीपर ने नहीं बताई। पुरी की खूबसूरत गलियों को देखते हुए
होटल चलते हैं।